गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंकोविट मल्टी मिनरल्स और मल्टी विटामिन टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको भी बहुत कम भूख लगती है या फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, तुरंत कुछ भी काम करने के बाद थकावट महसूस होता है, अगर आपका वेट बहुत कम है, अगर वेट को गेन करना चाहते हैं, किसी भी विटामिन की अगर आपको डिफिशेंसी है या फिर अपने इम्यून पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो प्राइस है वो 15 टैबलेट की 105 रुपए है, जो आपको आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 24 मंथ्स की, यानी कि 2 साल तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो अगर आपको इन विटामिन्स में से किसी की भी कमी है तो ये उसकी पूरी पूर्ति करता है, जैसे कि विटामिन B1, B12, B2, B3, B5, B6, विटामिन C, D3, जिंक और इसके अलावा कॉपर, फॉलिक एसिड, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट और क्रोमियम। इस तरह की जितनी भी चीज़ें अगर आपकी बॉडी में डिफिशेंसी है इनकी, तो ये इसकी कमी को पूरा करता है। अब हम बात करेंगे इसके डोजेस के बारे में। तो इसका जो डोज है वो पर टैबलेट पर डे है, लेकिन इसका बेस्ट रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो नाश्ता करने के बाद ही, यानी कि अपना कोई भी मील लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। इसको 1 मंथ से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 1 मंथ इस्तेमाल करने के बाद आप 15 दिन का गैप ले लें, उसके बाद फिर इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 मंथ के लिए दोबारा। अब हम लास्ट में बात करेंगे ये किस तरह से काम करता है। तो जिंकोविट का यूज़ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें मौजूद सेलेनियम इम्यून बूस्टर का काम करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जिंकोविट में पाए जाने वाला विटामिन ए हेल्दी सेल को ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। वही टैबलेट में मौजूद विटामिन सी बॉडी को सभी पार्ट के टिश्यू को हेल्थी ग्रोथ देता है और टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम करता है। फ्रेंड्स, इस टैबलेट में जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जितने भी कॉम्पोजिशन है, उसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। इसमें जो मेनली है वो विटामिन्स, एसेंशियल मिनरल्स और जिंक और ग्रेप सीड्स का इस्तेमाल किया गया है। अब हम लास्ट में बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके, जो कि बहुत ही कम देखे गए हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स इसके हुए तो हो सकता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तकलीफ़ हो, मतली हो सकता है, उल्टी हो सकता है या फिर किसी तरह की एलर्जी भी हो सकती है इसको खाने के बाद। फ्रेंड्स, इस दवा का इस्तेमाल आप बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल ना करें, ये सिर्फ आम जानकारी के लिए बताई गई है। तो ये था आज का मेरा पूरा वीडियो जिंकोविट टैबलेट को लेके। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में आके पूछ सकते हैं। जाने से पहले बस इतना बोलूँगी, एक छोटू सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसको सब्सक्राइब करना बेहद फ्री है, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी कॉस्ट आपको नहीं पे करना पड़ेगा। जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दें, साथ ही बेल के आइकॉन पर भी हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें।